हाय फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल प्रोडक्ट के साथ आपके सामने आया हूँ। ये है मिमी का डायपर रैश क्रीम और नैपी रैश क्रीम। अक्सर होता क्या है कि बेबी को लगातार डायपर पहनाने से डायपर जो का हल्का सा जो नमी होता है उससे बेबी को के डायपर एरिया में या बॉटम पार्ट में बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया के कारण वहाँ पर रैशेस क्रिएट हो जाते हैं। ये इसका रीज़न है कि कंटिन्यूस अगर आप डेली 10 घंटा 12 घंटा अगर डायपर पहना के बेबी को यूज़ पे डायपर में रख रहे हैं तो डायपर पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेता है, टॉयलेट को एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन हल्का सा नमी उसमें जो होता है उससे क्या होता है कि बेबी के डायपर एरिया में यानी बॉटम पोर्शन में वो रैशेस क्रिएट होने लग जाता है। तो उन रैशेस से बचने के लिए और उनको अगर ध्यान नहीं दिया गया तो कुछ दिनों में वो काफ़ी बड़ा इन्फेक्शन मतलब बन जाता है और कई बार ब्लड भी आ जाता है स्किन फट के। इस चीज़ से बचने के लिए हमने डायपर रैश क्रीम लॉन्च किया मिमी ने। मिमी का जो डायपर रैश क्रीम है इसे इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसे बनाने के लिए एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और जिंक ऑक्साइड का मेनली इस्तेमाल किया गया है। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट का काम होता है स्किन को ठंडा रखना, स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज्ड और नरिश्ड रखना, और जिंक ऑक्साइड जो है जो रैशेस क्रिएट करने वाले बैक्टीरिया है उनको मार के ख़त्म करता है। तो ये इसका यूज़ कैसे किया जाए मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा जो डायपर रैश क्रीम है इसको बनाने इसको जब भी आप डायपर पहना रहे हैं बेबी को डायपर के डालने से पहले इसको एज अ क्रीम हाथ में हल्का सा लेकर मसाज करके बेबी के डायपर एरिया में पूरा इसको हल्का सा मसाज कर देना है। ये क्या करता है आपके इसकी बेबी के स्किन को बॉटम डायपर एरिया का जो स्किन होता है वहाँ और डायपर के बीच में एक ऑयली लेयर क्रिएट कर देता है। इसे आप देखेंगे तो एक हल्का सा ऑयली टाइप का ये लेयर होता है, ये हल्का सा ऑयली होता है जिसके कारण क्या होता है कि ये जो भी होता है स्किन पे मौजूद में जो ड्राइनेस है वो नहीं आने देता है। तो ये जो ऑयली लेयर है डायपर का गीला पोर्शन प्लस स्किन के बीच में एक ऑयली लेयर क्रिएट करता है जिससे क्या होता है कि वहाँ पर किसी ढंग का रैशेस नहीं होने देता है। और इसमें मौजूद एलोवेरा एक्सट्रैक्ट जो है स्किन को ठंडा रखता है और स्किन के अंदर स्किन को अंदर से मॉइस्चराइज्ड और नरिश्ड रखता है। तो जिसके कारण क्या है ऊपर से स्किन पूरा ड्राई रहता है और अगर कोई रैशेज हो क्रिएट करने वाले बैक्टीरिया वहाँ पे फॉर्म भी कर रहे हैं तो इसमें मौजूद जिंक ऑक्साइड उसे मारकर इमीडिएटली ख़त्म कर देता है। इसके अलावा इसकी और एक मेन फीचर है कि कई बार होता है कंटिन्यूस अगर 4-5 घंटे 6 घंटे अगर डायपर पहनाने के बाद जब डायपर को ओपन करते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पर बेबी के बॉडी से थोड़ा सा टॉयलेट का स्मेल आता है। इसमें हल्का सा एक बहुत ही लाइट फ्रेग्रेंस ऐड किया हुआ है, जब आप डायपर ओपन कीजिएगा तो बेबी के बॉडी से हल्का सा वो फ्रेग्रेंस की खुशबू आएगी अच्छी सी और वो टॉयलेट का स्मेल नहीं आने देता है। और ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये आप 100 ग्राम का ट्यूब आता है और ये मिमी में काफ़ी सेलेबल काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट माना जाता है। होप आपको हमारा ये प्रोडक्ट और वीडियो काफ़ी पसंद आएगा। थैंक यू।